नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां सरकार के मंशा विपरीत गरीब दुकानदारों का गुमटी ध्वस्त करने का मामला आजमगढ़ में तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रार्थी हरिश्चंद चौरसिया पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ शासन द्वारा जिला संयोजक रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ आजमगढ़ बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, आजमगढ़ नगर में लगातार 3 दिनों से जबरदस्ती ठेला गुमटी, चाय पानी की दुकान, फल लगाने वाले दुकानदारों की गुमटियां ठेला छप्पर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया है, जिसमें गरीब दुकानदारों का लाखों रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। जिस भी अधिकारी का आदेश यह हुआ है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के नुकसान की भरपाई कराई जाए। साथ ही दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के साथ न्याय किया जाए। अगर जनपद में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ कोई भी कार्य करना है, उसकी जानकारी मुझे भी चाहिए, ताकि मैं दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके निकाल सकें। वही जनपद में जिस तरह वेडिंग जोन बनाया गया है, वह गलत है। वहां पर दुकानदारों की बिक्री नहीं है, इसलिए उसे समाप्त कर जनपद के समस्त दुकानदारों के राय सहमति से वेडिंग जोन नया स्थान चिन्हित कर बनाया गया है। अतः उन्होंने श्रीमान से निवेदन किया है कि गरीब दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर न्याय करने की महान कृपा करें, ताकि गरीब परिवार अपने दुकानदार लगातार अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रार्थी जनपद के समस्त रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहें। मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला महामंत्री, पिछड़ा मोर्चा। आज दिनांक 25 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से जनपद में गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया, जिससे उनका बहुत ही लाखों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के आज हम भाजपा जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, वो औचक निरीक्षण तहसील में गए हैं, उनकी जगह पे एडीएम प्रशासन जी थे। उन्होंने उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनका कहना है दुकान, हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित दुकानदार हैं उनकी जो नुकसान हुई है उनकी भरपाई कराई जाए, और वेंडिंग जो बनाया गया है उसको निरस्त करके दुकानदारों की राय से नए वेंडिंग जोन बनाया जाए और दुकानदारों को वहाँ पे बसाया जाए, ताकि वो लोग अपना दुकानदारी कर सकें, परिवार उनका चले।